हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर हैं और ये कहानी जो है टैली प्राइम की है। तो यहाँ पर उनका सवाल ये है कि सर, जब कभी भी हम लेजर की तो बात नहीं है, स्टॉक आइटम को डिलीट करना चाहते हैं। आप देखिए स्टॉक आइटम क्या है, स्टॉक आइटम को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर डिलीट करने के लिए, जैसे ये तो कंपनी पहले से बनी हुई है, आप देख सकते हैं ये कंपनी है हमारी जिसका नाम है शॉप वन। अब इसमें हो सकता है कोई स्टॉक आइटम बनी हो, कोई एंट्रीज हुई हो पहले से, तो अब डायरेक्टली क्या करते हैं, सीधा जाते हैं स्टॉक आइटम को डिलीट करने। ठीक है, अब डिलीट करने के लिए कहां जाएंगे, अल्टर पे जाएंगे। ठीक है, ये गेटवे ऑफ टैली का अल्टर है। अगर आपको कंपनी में कुछ करना है तो आप कंपनी के अल्टर पे जाएंगे तो ये यहां से कंपनी का अल्टर मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो हमें कहां पे अल्टर करना है, हमें गेटवे ऑफ टैली से ही अल्टर करना है क्योंकि हमारा स्टॉक आइटम तो गेटवे ऑफ टैली पे जाके ही बनता है। तो फिलहाल हमें यहीं से अल्टर करना है, तो यहां पर अल्टर पे जाना है, एंटर कर देना है। अब जब एंटर करेंगे तो यहां पर ये लंबी लिस्ट खुलेगी जिसका नाम है लिस्ट ऑफ मास्टर्स। ठीक है, देख सकते हैं, अगर कोई चीज आपको ना शो हो रही हो तो यहां पे आप शो इनएक्टिव पे जाएंगे तो यहां पर भी शो होने लगेंगी चीजें। यहां पर हमें क्या देखना है, स्टॉक आइटम देखना है, तो यहां पे स्टॉक आइटम पे आएंगे, एंटर करेंगे। अब जैसे कीबोर्ड है तो अगर इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, अल्ट डी करते हैं, तो देखिए अल्ट के साथ डी प्रेस करने से डिलीट हो जाता है। लेकिन यहां पे देखिए मैं अल्ट डी बार 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 प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये डिलीट हो ही नहीं रहा। ठीक है, यही परेशानी का सबब उनके लिए बना हुआ है जिन व्यूअर्स ने ये सवाल हमसे पूछा है। ठीक है, फिर यहां मॉनिटर पे आते हैं। अगर मान लीजिए मॉनिटर को डिलीट करना है, अल्ट डी करते हैं, ये देखिए ये खटाक से डिलीट हो रहा है, देख रहे हैं। फिलहाल अभी हम इसे डिलीट नहीं कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ये डिलीट हो रहा है मॉनिटर। ठीक है, इसके अलावा माउस देखते हैं तो अल्ट डी करने से ये माउस भी डिलीट हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ना। और यहां पर राइस की बात करें तो अल्ट डी करने से यहां पर राइस भी डिलीट हो रहा है। ठीक है, और यस कर देंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर एक चीज और है, शावर, तो क्या अल्ट डी करने से शावर भी डिलीट हो रहा है, लेकिन ये तो डिलीट नहीं हो रहा है। तो आखिरकार क्या दिक्कत है कि बाकी के आइटम्स डिलीट हो रहे हैं और ये डिलीट नहीं हो रहा है, ये कंफ्यूजन हमेशा बरकरार रहती है। तो आज के इस वीडियो में यही सॉल्यूशन देने वाला हूं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से पहले बाहर आने के लिए एस्केप बटन को प्रेस करते हैं और बाहर आ जाते हैं। ये आ गए बाहर हम। ठीक है, अब जरा देखते हैं गेटवे ऑफ टैली पर आकर के, यानी गेटवे ऑफ टैली पे जाना है तो आपको एक बार और एस्केप बटन प्रेस करना है, आप ये गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। और यहां पर एंट्रीज को देखना है तो के प्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कोई एक एंट्री हुई पड़ी है डैमेज गुड्स वाली। ठीक है, अब ये 1 जनवरी 2025 में हुई है। मैं यहां पर फाइनेंशियल ईयर जो है ये 24-25 दोनों है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये केवल एक ही एंट्री हुई पड़ी है। ठीक है, देख सकते हैं ये डैमेज गुड्स की ही दोनों एंट्रीज हैं, दो एंट्रीज हैं और दोनों डैमेज गुड्स की ही हैं। ठीक है, देख सकते हैं ना। तो जिन स्टॉक आइटम का आपने यूज कर लिया है वो तो डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना अभी, यहां पर ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इनका यूज हमने किया हुआ है। जैसे ये कीबोर्ड है तो यहां पर अगर कोई हमने एंट्री करी है तो अगर एंट्री कर दिया हमने तो वो स्टॉक आइटम तो कतई डिलीट नहीं होगा, चाहे कितना भी आप डिलीट कर लीजिए। जैसे यहां पर अल्टर पे आते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे स्टॉक आइटम पे आए तो अगर कीबोर्ड को मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूं तो कीबोर्ड डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कीबोर्ड का यूज कर लिया। लेकिन अगर यही बात करें हम मॉनिटर की तो मॉनिटर पे आए, अल्ट डी किया तो ये डिलीट हो रहा है। अब अगर किसी एंट्री में मॉनिटर का भी यूज कर लेंगे तो वो भी डिलीट नहीं होगा। अब कैसे यूज करेंगे, वी बटन प्रेस करके आएंगे। इस बार हम चलते हैं परचेज में और ये आ गए परचेज में। सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला, एंटर किया, यहां पर आए और यहां पर आएगा सप्लायर पार्टी का नाम, तो सप्लायर टू ही कर लेते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और एंटर करके यहां पर आ जाते हैं और यहां पे परचेज अकाउंट। और अब मॉनिटर ले लेते हैं, तो यहां पे मॉनिटर ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर ले रहा हूं। 45 मॉनिटर्स की बात हो रही है और एक की खरीद रेट मान लीजिए 4,000 रुपए है, तो ये आ गया कुल कीमत यहाँ पे। और यहाँ पे एंटर कर, जीएसटी शायद एक्टिवेट नहीं है या जो भी हो, तो यहां से क्या करना है आपको, यहां से इसे नो कर देना है और नो करके एंटर कर देना है, एंटर करना है, एंटर करना है और इसे एक्सेप्ट करा लेना है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो मॉनिटर भी नहीं डिलीट होगा। अब कैसे नहीं डिलीट होगा, आइए देखते हैं। यहां पर आए गेटवे ऑफ टैली से आगे अल्टर पे, और अल्टर पे आके कहां जाना है, स्टॉक आइटम पे जाना है। पहले तो मॉनिटर डिलीट हो रहा था, क्या अब डिलीट हो रहा है, देखिए यहां पर अब ये डिलीट नहीं होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे ये माउस की स्थिति, तो ये माउस है, अल्ट के साथ डी प्रेस करते हैं तो ये डिलीट वाला ऑप्शन आ जाता है। अगर आप यस पे क्लिक कर देंगे ये डिलीट भी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एंट्री में माउस का यूज कर लिया तो ये डिलीट नहीं होगा। अब कैसे,
यहाँ पे वी बटन प्रेस करेंगे परचेज में जाने के लिए, ठीक है। यहाँ से आएंगे, वी बटन प्रेस करते हैं, परचेज वाउचर में चलते हैं, यहाँ पे सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला, एंटर किया, और यहाँ पर सप्लायर पार्टी 4 ले लेते हैं हम, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं, और यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा। और इस बार क्या करते हैं, इस बार जो अगला हमारा स्टॉक आइटम है उसको ले लेते हैं। जैसे हम इस बार ले लेते हैं माउस, तो ये माउस ले लिया हमने, यहाँ पर 66 माउस की बात हो रही है, एक माउस की खरीद रेट 100 रुपए है, तो यहां पर आप देखिए ये आ गया माउस, ठीक है। और अब अगर एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराता हूं तो ये एक विंडो आती है, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब जब आप माउस को डिलीट करेंगे तो डिलीट ही नहीं होगा, क्योंकि एंट्री में इसका यूज कर लिया। तो जिन भी स्टॉक आइटम का यूज आप एंट्री के अंदर कर लेंगे, एंट्री करते समय उन स्टॉक आइटम को परचेज या सेल कर लेंगे, उन स्टॉक आइटम्स का आप लेजर यानी कि खाता डिलीट नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। अब चले यहां पे, और यहां पर आए कहां पर, स्टॉक आइटम पर, एंटर किया, और यहां से क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए माउस है, अल्ट के साथ डी कर रहे हैं, अब डिलीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एंट्री में इसका यूज कर लिया। एंट्री में अगर यूज नहीं किया होता तो ये डिलीट जरूर हो जाता, ठीक है। तो ये जो है दिक्कत थी जिसके वजह से ये डिलीट नहीं हो रहा था, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको 100% गारंटी है कि क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक आइटम अगर डिलीट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं डिलीट हो रहा है। अगर लेजर भी डिलीट ना हो रहा हो तो उसके भी पीछे वही रीजन होता है। अब जैसे लेजर की बात है तो लेजर भी देख लेते हैं, तो यहां पे लेजर पे आए, अब देखिए यहां पर ये कस्टमर वन का लेजर है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूं ऑल्ट डी करके तो ये डिलीट नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है डिलीट ना होने के पीछे, कि कस्टमर वन के लेजर का हमने कहीं ना कहीं यूज किया है, इसी वजह से डिलीट नहीं हो रहा है। ये तो बात थी कस्टमर वन के लेजर की, लेकिन और भी लेजर्स हैं जिनको आप डिलीट करना चाहें तो क्या वो डिलीट हो जाएंगे, एक बार चेक करना होगा। तो ऑल्टर पे चलते हैं, फिर यहाँ लेजर्स पे आते हैं। अब जैसे बेसिक सैलरी है, ठीक है, तो ये पेरोल की एक एंट्री है, यहाँ पे अल्ट के साथ डी प्रेस कर रहा हूं तो देखिए ये भी डिलीट नहीं हो रही है, यानी कहीं ना कहीं पेरोल वाउचर में एंट्री पास करके पास करी गई होगी, पेहेड बनाए गए होंगे। बेसिक सैलरी तो एक प्रकार का पेहेड ही है, तो पेहेड जब बन जाएगा तो फिर ये एंट्री पास नहीं, एंट्री में इसका यूज कर लेंगे तो फिर ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे सीजीएसटी का लेजर है, तो अगर इसका यूज नहीं किया तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो यूज हुआ है तभी तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। बाहर आते हैं, इसी तरीके से ये कस्टमर वन है, तो क्या इसका यूज हमने कहीं किया है, तो देखिए ये भी डिलीट नहीं हो रहा है। तो जिनका भी आपने यूज कर लिया वो चीजें डिलीट नहीं होंगी, याद रखिएगा। जिन भी लेजर्स का या जिन भी स्टॉक आइटम्स का आपने कहीं किसी एंट्री में यूज कर लिया, सेल्स परचेज या अदर वाउचर में, जनरल वाउचर या कहीं भी आपने यूज किया, वो एंट्री डिलीट नहीं होगी, यानी कि वो लेजर या वो स्टॉक आइटम डिलीट नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर एक और पेहेड हमारे पास है, जैसे कि देख सकते हैं ये यहाँ पे पीएफ बना हुआ है, तो क्या पीएफ डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आते हैं ऑल्ट के साथ डी प्रेस करते हैं, तो देखिए पीएफ का भी यूज कहीं ना कहीं किसी न किसी एंट्री में किया गया है, जिसके वजह से ये भी डिलीट नहीं हो रहा है। हम ऑल्ट के साथ डी प्रेस कर रहे हैं, ये शॉर्टकट की होती है, लेकिन ये फिर भी डिलीट नहीं हो रहा है, लेकिन जिसका यूज नहीं हुआ होगा वो डिलीट जरूर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये सेल्स है तो सेल्स का भी देखिए, यहाँ पर सेल्स भी मेरे ख्याल से डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसका भी यूज हो चुका है, तो जिन भी लेजर्स का यूज हो जाएगा वो डिलीट नहीं होंगे, ठीक है।